आज ना हमारे घर आई भी हैं जो मुंह पट्टी वाली जो गणिका जी होती है, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ नहीं, तो जो मुंह पट्टी वाली जो गणिका जी होती है वो आई भी हैं, तो वो हमारे ही घर रुक रही हैं 2 दिन। तो ये जो हमारा नीचे का फर्स्ट फ्लोर है वहाँ रुक रही हैं वे। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, अभी वे गई है मंदिर में प्रवचन के लिए, तो फोटो और वीडियो अलाउ नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो उनका सामान रखा है वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब गणिका जी का सामान है। और अभी ना एक गणिका जी की कल ही दीक्षा हुई है, उन्हें कल ही पिंछी मिली थी, तो वो मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है कि वो हमारे घर रुकी है। ये देखिए, उनका थोड़ा बहुत सामान सब यहाँ रखा है, इसी रूम में भी रुकेंगी। और लाइट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं करनी होती है, ऐसा मतलब हमें कुछ नहीं पता था, तो जो उनके साथ है उन्होंने हमें सब बताया। और इस रूम में उनका आएगा सब सामान, अभी थोड़ा बहुत ही आया है, तो अभी और सामान यहाँ आना बाकी है। सिर्फ लाइट्स वगैरह कुछ नहीं ऑन करनी होती है, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही थी। अगर हो पाया कि जब वो यहाँ आएंगी, तो अगर मैंने वीडियो शूट करी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज देखती हूँ मैं ट्राई करके, क्योंकि इस तरह जब वो मना करे इस तरह से वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है कि वो हमारे घर में रुकी हैं, तो चलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ गुड़नी जी आई हुई हैं, मतलब 3 से 4 गुड़नी जी रुकी हुई हैं, तो आज है सेकेंड डे और वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है उनके पास। तो थोड़ा सा ना आज मंदिर से कुछ जेंट्स आए थे जो कि पूजा प्रक्षाल करके डायरेक्ट हमारे घर आए थे उनके दर्शन करने के लिए, तो थोड़ी सी मैंने उनकी वीडियो बनाई है, पर गुड़नी जी की तो बिल्कुल भी नहीं बन पाई, क्योंकि कुछ सख्त मना है फोन के लिए। बट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे घर में उनके चरण पड़े हैं, और 3 से 4 दिन वो ठहरेंगे भी, आज दूसरा ही दिन है, और आज है 26 जनवरी। तो आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई हो। और मौसम मतलब धूप का नाम नहीं है बिल्कुल भी, कपड़े भी नहीं सूखे हैं, और अभी मैं फ़िलहाल नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने एक हमारे घर आए हैं नन्हे मेहमान उनसे मिलवाऊँगी। तो वीडियो में आके बने रहिएगा, आप भी देखना कि कौन है वो नया मेहमान जो हमारे घर आया है। तो फ़िलहाल चलिए मैं भी नहा करके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नीचे आ गई थी लंच की तैयारी करने, क्योंकि मुझे फटाफट से रेडी करना था लंच, क्योंकि गुड़नी जी का एक टाइम होता है जिस टाइम वो गोचरी लेने आते हैं, तो उस टाइम तक रेडी रखना होता है। हालांकि जगह मतलब हर जगह से वो गोचरी लेते हुए आते हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है उनके पास, तो बहुत कम सामान लेते हैं वो यहाँ से, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ उन्हें मतलब किसी चीज़ की कमी ना लगे। हालांकि मुझे इतना पता नहीं है ये स्थानक वासियों का, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ फिर भी जितना सब लोग बताते हैं, और गुड़नी जी से भी मैं बातें कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि किस तरह से क्या क्या है, तो वो बहुत ही मतलब फ्रैंक होकर मुझे बता देती हैं। और 2 दिन में ना बहुत ही अच्छी एक बॉन्डिंग बन गई है उनसे, मतलब मैं इतनी फ्रैंक हो गई हूँ, मैं हर तरह की बातें उनसे कर लेती हूँ, तो बस मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है इस टाइम घर में, बहुत ही अच्छा है। और आने जाने वाले मतलब दर्शन करने के लिए गुड़नी जी के पूरा दिन भर और मतलब शाम तक आते रहते हैं, तो एक चहल पहल सी हो रही है घर में इस टाइम। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने आज बनाया था दाल मखनी, शाही पनीर, राइस,
तो वही बस। और सुबह मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था, बट गुन्नी जी ने नहीं लिया था क्योंकि उनकी उनका जो खाने है, मतलब गोचरी करते हुए आए थे वो स्थानक से, तो उनका जो खाने की चीज़ें हैं, मतलब खाने का सामान है, वो पूरा हो गया था। तो कुछ अगर उनको नीड होती है तो लास्ट में वो यहाँ से लेते हैं, तो वरना फिर तो बीच में मतलब पानी वगैरह या चाय वगैरह वो बोल देते हैं मेरे को और हम बना देते हैं। तो इस तरह से कुछ हो रहा है। तो फ़िलहाल बस मैं यहाँ मतलब किसी चीज़ की मैं रेसिपी शूट नहीं कर रही हूँ और उनकी भी कोई फ़ोटो वीडियो नहीं मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी क्योंकि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है फ़ोन वगैरह उनके सामने। तो सिर्फ मतलब जो स्थानक वासी हैं उनको पता है कि किस तरह से होता है उनका कल्चर। बट बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही अलग सी ये चीज़ करने को भी मिली। और हमारे घर पर वो रह रही हैं तो सब लोग ये बोल रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत मतलब तुम्हारा घर बिल्कुल पवित्र हो चुका है इस टाइम। क्योंकि होता है किसी साधु संत के अगर चरण आपके घर में पड़ जाते हैं तो मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही शुद्ध हो जाता है घर, हर तरह की नेगेटिविटी आपके घर से चली जाती है। तो इस टाइम कुछ ऐसा ही हो रहा है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही मन लग रहा है किसी मतलब खाने में तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान है ही नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मैंने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया, लंच किया डिनर कुछ नहीं पता, बस ये लगता है कि उनकी सेवा जितना टाइम मिला है उनकी सेवा करें। तो धीरे धीरे भी पता लगा है कि स्थानक में मतलब किस तरह का कल्चर फॉलो किया जाता है, मतलब किस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं। तो पर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डिफरेंट भी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बस सुबह का नाश्ता भी चल रहा है, तो ये लेफ्ट ओवर कुछ सब्जियाँ वगैरह थी, पोहा वगैरह जो मैंने सुबह बनाया था, तो सबको वही मैं दे रही हूँ नाश्ते में। और मैं तड़का भी लगा रही हूँ उस टाइम क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम फिनिश करके ना फिर हम मासा जी के पास बैठें। तो मतलब उनको गुणनिका जी भी बोल देते हैं और मासा भी बोल रहे थे सब, महाराष्ट्री भी बोल देते हैं। तो इस तरह से बस सबको देख करके कि कौन क्या बोलता है तो हम भी पीछे पीछे ऐसे ही बोल देते हैं। तो यहाँ पर बस दाल में भी तड़का लग गया था और तो शाही पनीर भी मेरा डन था, राइस भी बन चुके थे। तो अभी बस सब लोगों को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ और बच्चे भी लग रहे हैं अपने काम में, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के दिन। फ्रेंड्स ये हैं हमारे घर के नए मेहमान छोटू से लड्डू गोपाल, जिनको मैं आगे आज से बोलूँगी लल्ला। और आज 26 जनवरी वाले दिन मैं इनको इनकी स्थापना कर रही हूँ। तो जैसी मुझे आती है, जैसा मुझे मतलब किसी ने बताया है तो वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम इनको स्नान कराते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैं कितने छोटे छोटे से ये वस्त्र लेकर के आई हूँ। ये है इनका इनर वियर, ये है इनका नाइट सूट और देखिए ये सब नाइट सूट, और ये है ये सर्जल की टोपी, नहीं नहीं पूरी ड्रेस, और ये है। तो सबसे पहले चलिए हम इनको बनाते हैं ये इनर वियर।
3:30 और हम अभी नीचे से मासा के पास उठ कर से आए थे और हमारी आई भी हैं हम मौसी। मैं कल भी शूट करना भूल गई थी मौसी के घर भी गई थी मासा, बट कुछ हो गया हादसा। और ये हर्षी बुआ भी आई है, बहुत टाइम बाद आई हूँ हर्षी जी, हाय गाइस, ये बहुत ज़रूरी है बताना। और अभी बन रही है शाम की चाय, तो अभी शाम की चाय एंजॉय करेंगे हम। और अभी ये बच्चे जो छोटा मेहमान आया है घर में उसको लेने जा रहे हैं। दी आराम से ले आना है ना, बहुत आराम। तो बस चलिए शाम की चाय एंजॉय करते हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम कैमरा नित्या ने ले रखा था तो वही वीडियो शूट कर दी थी। तो आज का रूटीन कुछ इसी तरह से था। मौसी आई थी, मौसी भी 2 दिन से आई रही थी यहाँ पर, क्योंकि दर्शन करने को लिए आना जाना सबका इतना लग रहा था, इतनी चहल पहल हो रही है हमारे घर में इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो मौसी चली गई थी शाम के टाइम, और फिर शाम को आ गया था हमारे यहाँ किसी के यहाँ से भंडारा आलू पूरी का, तो वही हम सब का डिनर हो गया था। तो बस यही था आज का व्लॉग, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो